ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था, दिस कीवर्ड हम लोग ने स्टार्ट किया था और किस किस पे अप्लाई किया था, दिस को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते थे। हम लोग दो टाइप देखे थे उसका, जहाँ पे हम लोग करंट क्लास के जो भी वेरिएबल्स है उसको पॉइंट करने के लिए हम लोग ने यूज़ किया था। ठीक है, इस टाइप से हम लोग ने यूज़ किया था, दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट नेम, दिस डॉट फीस। ठीक है, ये हम लोग ने यूज़ किया था करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने किया था करंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए। ठीक है, याद आ रहा है? ठीक है, करंट क्लास के मेथड को हम लोग यहाँ पे इन्वोक करके देखे थे, कॉल करके हम लोग देखे थे कैसे हम लोग दिस से कॉल करते थे। ठीक है, किसी भी एक मेथड में दूसरे मेथड को हम लोग दिस ऑपरेटर से, सॉरी दिस कीवर्ड हम लोग लगा के कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे हम लोग देखते हैं द दिस कंस्ट्रक्टर कॉल्स कैन बी यूज टू इन्वोक द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, इट इज़ यूज टू री यूज द कंस्ट्रक्टर, इन अदर वर्ड्स इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर चेनिंग इससे कर सकते हैं, मतलब एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं दूसरे में, दूसरे को कॉल कर सकते हैं तीसरे में, तीसरे को कॉल कर सकते हैं चौथे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे क्लास ए ले लिए हम लोग। ठीक है, उसके अंदर एक हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ए नाम का। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग एक लाइन प्रिंट करें हेलो ए। ठीक है, सेकंड कंस्ट्रक्टर हमने लिया है ए, और यहाँ पे एक पैरामीटर लिया है, मतलब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हुआ। ठीक है, उसके अंदर दिस और इस टाइप का ब्रैकेट लगा के हम लोग कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसको कॉल करेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है हम लोग का, ये वाला, इसको कॉल करेगा। ठीक है, क्लियर? तो चलो उसको हम लोग रन करके देखते हैं तो अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। ठीक है, मैं क्लास लेता हूँ दिस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारा एक क्लास हो गया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ दिस कंस्ट्रक्टर डॉट जावा से। ठीक है, मैंने कॉल कर लिया इसको, और फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ दिस कंस्ट्रक्टर नाम से, और यहाँ पे मैं एक लाइन प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आवाज़ आ रही है ना सभी को कि नहीं आ रही है? ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दिया हेलो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब उसके बाद मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ इंट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन।
ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इस टाइप का मैंने प्रिंट कर दिया। और इसके पहले मैं कॉल करता हूँ इस दिस कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेन मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स args, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँगा दिस कंस्ट्रक्टर t1 इक्वल टू न्यू दिस कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा, ठीक है। इंट x यहाँ पे एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग को एक वैल्यू डालनी होगी, तो मैं 100 वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे x इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ प्लस डाल के x डाल देते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्लियर। मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, चलो इसको रन करके हम लोग देखते हैं। रन करने के लिए हम लोग चले जाते हैं कमांड पे cmd, और यहाँ cmd आ चुका है हम लोग का, और मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, cd backslash ce में चल जाते हैं, और cd java bca3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जावा सी दिस कंस्ट्रक्टर डॉट जावा फाइल नॉट फाउंड, सेम एज ई में जावा bca3, ठीक है, कंपाइल हो गया, यहाँ पे कंपाइल हो गया। अब इसको रन करेंगे हम लोग, रन कैसे करेंगे, जावा लिखेंगे और दिस कंस्ट्रक्टर इस टाइप से कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखो हेलो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और x इक्वल टू 100, ठीक है, मतलब यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही कॉल हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए अलग ऑब्जेक्ट ना बनाऊँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाया है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल हमने किया है, और हम चाहते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से ही हम इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर लें, मतलब इस करंट क्लास के हम लोग दोनों कंस्ट्रक्टर को क्या करें, कॉल कर लें, तो हम लोग उसको कैसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेनिंग कर देंगे इसे, यहाँ पे लिखेंगे दिस इस प्रकार से, ठीक है, दिस हम लोग लिख लिए यहाँ पे, और इस टाइप के कंस्ट्रक्टर वाले ब्रैकेट्स लगा लिए, और हम लोग इसको कॉल कर लिए। अब इसको वापस यहाँ कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर लिए और यहाँ रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो दिस से हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट किया है हेलो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब ये वाला प्रिंट किया है, और ये किसके अंदर में है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर में है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रिंट हुआ हेलो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। सबसे पहले ये कॉल हुआ, तो कंट्रोल कहाँ चले गया, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास चले गया, और हेलो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया। सेकेंड लाइन हेलो में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ है, देन उसके बाद एक्स की वैल्यू प्रिंट हुई है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सबको।
आया। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? ठीक कुछ डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे कितने भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, सबको एक साथ भी हम लोग लिंक कर सकते हैं, और सिंगल ऑब्जेक्ट से ही हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी ले लो, अभी पूरा प्रोग्राम दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कॉपी में भी लिख लो इसको तुरंत। कॉपी रखते हो कि नहीं रखते हो साइड में? ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। और हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अब कॉल करेंगे हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग किससे करेंगे? अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी चलो न्यू हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, दिस कंस्ट्रक्टर टू। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ जावा BCA 3 के अंदर में। और यहाँ पे दिस कंस्ट्रक्टर टू डॉट जावा हम लोग फाइल नेम दे देंगे। और यहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। ठीक है, ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और सेम मैं वैसे ही एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग में लेता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हेलो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे हेलो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने दोनों में प्रिंट कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है कि ये कंस्ट्रक्टर जो है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है, वो इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कॉल हो। किसे कॉल हो? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कॉल हो। ठीक है, यहाँ एक पैरामीटर हम लोग लिए हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस देके सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। वॉइड मेन, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, दिस कंस्ट्रक्टर टू का। ठीक है, तो यहाँ लिखे दिस कंस्ट्रक्टर टू T1 इक्वल टू न्यू दिस कंस्ट्रक्टर टू। ठीक है, यहाँ पे मैंने किसको कॉल किया है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने किसको कॉल किया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अगर हम लोग को यहाँ पे कंपाइल करना है तो मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ जावा सी दिस कंस्ट्रक्टर टू डॉट जावा। हम लोग यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं इसको, ठीक है, कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ कॉल हो रहा है, ठीक है। क्या कॉल हुआ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब हम लोग को क्या कॉल करना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मैं इसके जस्ट बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पैरामीटर पास कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर जावा, ठीक है। मैंने कॉल कहाँ पे किया, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर में मैं इस कॉल किया। कैसे कॉल किया, दिस लिखा, उसके अंदर ब्रैकेट मैंने लगाया और उसके अंदर जो भी हमारा वैल्यू थी उसको पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से कंपाइल करते हैं हम लोग, कॉल टू दिस मस्ट, अच्छा ओके 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 ओके, सो पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं दिस कीवर्ड से, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो एरर शो कर रहा है, क्या एरर शो कर रहा है, कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्लियर। सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए तभी वो रन कर पाएगा, ठीक है। मैंने इसको फर्स्ट स्टेटमेंट पे कर दिया है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट कर दिए हैं, और यहाँ पे आके हम लोग फिर से कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब देखो आ गया, हेलो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का ये कॉल किया है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है, ये एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमने पास किया था जावा पास किया था, तो ये सब्जेक्ट में आ जाएगा और यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया, तो सब्जेक्ट जावा प्रिंट हुआ। देन उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ही है, यहाँ पे हेलो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, वो कॉल हुआ है, क्लियर। समझ में आया कैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, इसको भी लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। जावा में दो सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है दिस कीवर्ड, दूसरा होता है सुपर कीवर्ड, ठीक है। कौन कौन सा, दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड, ठीक है। तो दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि दोनों एक ऐसी चीज़ है जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग, मेथड चेनिंग, या फिर किसी वेरिएबल्स को हम लोगों को कॉल करना है, या फिर क्लास को कहीं पे भी कॉल करना है, ठीक है, और उस क्लास के थ्रू हम लोग किसी दूसरे क्लास को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस छोटे से एक ऑपरेटर या फिर इस कीवर्ड से कॉल होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, तो दिस कीवर्ड को बहुत अच्छे से समझना, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल इसके एप्लीकेशन है मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है ये, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।